कुछ केस चल रहा है ना। हाँ वो केस चल रहा है। नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में हुए उपचुनाव को लेकर। इस उपचुनाव में कई अलग अलग मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। दो सीटों पर हुए उपचुनाव, मोकामा और गोपालगंज, इन दोनों ही सीटों पर एक तरह से कह लें कि महागठबंधन का लिटमस टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के बाद ये साफ हो जाएगा कि बिहार में जो है आगे की राजनीति किस तरह से चलेगी। हालांकि इसके परिणाम 9 नवंबर को आने वाले हैं। शिवानी, उसका रिजल्ट कब आएगा? 6 तारीख। 6 को है? हालांकि इसका रिजल्ट जो है वो 6 तारीख को आएगा। उस दिन ये साफ हो जाएगा कि बिहार की सियासत में जितने भी गुणा गणित लगाए जा रहे हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब तक की जो स्थिति है उसमें जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है, एक औसतन वोटिंग प्रतिशत है, 52.5% जो है मतदान दर्ज किया गया है। ऐसे में जो पुरानी परिपाटी रही है या फिर राजनीतिक विश्लेषक जो है जो बातों को कहते रहे हैं, उसमें ये साफ तय हो गया है कि दोनों ही सीटों पर जो है एक तो RJD मोकामा से जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है, वहीं गोपालगंज की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे BJP को जो है जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोनों ही सीटें जो है इनके पास पहले से काबिज थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब जब इस बार जब उपचुनाव हो रहा है तो ऐसे में इस बात का भी पूरा अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि गोपालगंज में एक बार फिर से BJP जो है बढ़त बनाती दिख रही है। और वही अगर हम मोकामा की बात कर लें तो यहाँ एक बार फिर से RJD का वर्चस्व दिखने वाला है। तो दोनों ही स्थितियों में ये बात कही जा रही है कि अगर ये दोनों सीटों पर, क्योंकि जदयू की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि गोपालगंज की सीट भी हम जीत रहे हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत ये बताता है कि यहाँ पे एवरेज वोटिंग हुई है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें एक बार फिर से पुराने ही उम्मीदवार जो है, यानी कह लें कि BJP जो है एक बार फिर से वहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के जो गुणा गणित है, अगर हम जदयू की बात करें या फिर RJD की तरफ से, खास करके गोपालगंज को लेकर जो स्थितियां बनती दिख रही है उसमें जो बातें कही जा रही है गोपालगंज को लेकर खास करके, तो उसमें एकमात्र जो कारण बताया जा रहा है, ये उसमें जो स्पष्ट तौर पे जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि हमें जिस बात का फायदा होगा, RJD की तरफ से जो तर्क दिए गए कि हमें किन किन जगहों पे और किस तरह से जो है फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें जो बातें निकल कर सामने आई उसमें ये साफ है कि ये कैंडिडेट को लेकर जो है ये स्पष्टीकरण सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये उम्मीदवार जो है मनोज कुमार, RJD के जो उम्मीदवार हैं ये एक वैद्य समाज से आने वाले उम्मीदवार हैं। और ऐसे में बिहार में जो महागठबंधन जो बनी है उसमें नीतीश कुमार, कांग्रेस, RJD, तीन बड़ी पार्टियां जो है एक साथ अलायंस कर रही है। और दूसरा जो अहम बात ये है कि शहरी इलाकों में कहा जाता है कि जो गुप्त, खास करके जो बिजनेसमैन, जो पूरा कॉलोनी है, शहरी इलाका जो है जो बिजनेस करता है, वो सब BJP आधारित वोटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से वैद्य समाज के लोगों को RJD ने टिकट दिया है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि RJD जो है वैद्य समाज में अगर सेंधमारी करने में सफल रहती है तो उसे जो है यहाँ पे आगे चुनाव के जो नतीजे हैं वो पलटते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत है वो साफ तौर पे ये बताता है कि एक बार फिर से गोपालगंज में BJP जीतती हुई दिखाई दे रही है। और इसका एकमात्र कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है सहानुभूति वोट के रूप में जो है इन्हें एक बार फिर से कुसुम देवी को जीतते हुए दिखाने की बात जो है वो कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो है सुभाष सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, पिछले दिनों उनकी बीमारी के कारण निधन हो गया था, वो BJP के कद्दावर नेतों में एक माने जाते थे, वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में सहानुभूति के रूप में भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उन्हें जो है इस बार जीत को लेकर जो है ये आशंका जताई जा रही है कि गोपालगंज में एक बार फिर से BJP जीत सकती है। अगर हम यही बात कर लें मोकामा को लेकर, तो मोकामा को लेकर जो है एक बड़ा चेहरा अनंत सिंह के रूप में सामने आता है। कहा जा रहा है कि मोकामा की विधानसभा सीट पे बिहार के जितने बाहुबली हैं उन सब ने जो है ताकत झोंक दी है। यहाँ पे लड़ाई RJD, जदयू, BJP, इन पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है पूरी की पूरी जो है बाहुबल की लड़ाई दिखाई गई है। और इस बार जितने भी समीकरण, चाहे वो सूरज भान सिंह का पूरा खेमा जो कि BJP की तरफ से चुनाव मैदान में है, अनंत सिंह का पूरा जो
खेमा है वो आरजेडी और जदयू एक तरह से महागठबंधन के पूरे खेमे की तरफ से चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ भी एवरेज वोटिंग मोकामा में ही जो अगर हम वोटिंग प्रतिशत को देखें तो यहाँ भी 50 के थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से मोकामा में भी जो है अनंत सिंह के जो समर्थित इनकी पत्नी जो है नीलम देवी वो चुनाव मैदान में आ सकती है, यानी कि जीतने के चांस जो है इनके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे लबुलवाद को देखें इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को लेकर, तो इसमें जिस बात की आशंका अब से पहले चुनाव यानी कि मतदान से पहले लगाई जा रही थी कि दोनों सीटों पर महागठबंधन जीत सकती है, क्योंकि इस बार तीन बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस जदयू और आरजेडी एक साथ चुनाव मैदान में है, तो ऐसे में ये उम्मीद की गई थी कि गोपालगंज की सीट भी जो है वो एक बार फिर से माफ कीजिएगा गोपालगंज की जो सीट है वो महागठबंधन के खेमे में आ सकती है, क्योंकि इससे पहले जो वो सीट है वो बीजेपी के पास है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत ये बताता है कि इस बार की जो स्थितियां हैं उस तरह की बनती हुई नहीं देख रही। हालांकि ये सब कुछ जो है 6 नवंबर को साफ हो जाएगा कि कौन जो है कहां से आगे चल रहा है। इसके बाद अगर जो रिजल्ट आते हैं, अगर दोनों तरफ से यानी कि गोपालगंज से अगर बीजेपी जीतती है आरजेडी मोकामा से जीतती है, तो उसमें राजनीतिक उठापटक क्या देखने को मिलेगा। अब तक जो बातें कही गई उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी दोनों जगह से हार जाती है तो फिर आगे का जो उनकी राजनीति होगी बीजेपी की उसमें जो है उन्हें बदलाव करने की जरूरत है, उन्हें एक नई सोच के साथ आने की जरूरत है। अगर दोनों जगह पे जैसे मान लीजिए गोपालगंज में बीजेपी जीतती है और मोकामा में एक बार फिर से आरजेडी की जीत होती है, तो इन दोनों जगह पे अगर बैलेंस होता है तो फिर बीजेपी जो है आगे अपनी लड़ाई को इसी तरीके से जारी रखने की बात जो है वो कही जा रही है। उसमें बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो है अपनी राजनीतिक बदलाव की जरूरत है, उन्हें जो है एक दूसरे तरीके से सोचने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक दोनों को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। अगर गोपालगंज सीट बीजेपी के हाथ से निकलती है तब फिर बीजेपी को जो है आगे की राजनीति के लिए सोचने की जरूरत है। फिलहाल की जो अगर हम देख लें अगर वोटिंग प्रतिशत को, तो उसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीतिक पंडित राजनीतिक जानकार बतला रहे हैं कि दोनों सीटों पर जो है अभी अपनी अपनी सीटें बचाने में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां काबिज रही है। तो ये थे बिहार के उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।